कोल्हान प्रमंडलीय पारंपरिक स्वशासन ग्राम प्रधान संघ का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को जमशेदपुर के उपायुक्त से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने मनरेगा के सामाजिक अंगीकरण पर तत्काल रोक लगाते हुए ग्राम सभा को जिम्मेदारी देने की मांग की है। इन्होंने बताया कि सोशल ऑडिट यूनिट द्वारा ग्राम सभा के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। बताया कि कोरोना काल के बीच झारखंड में सोशल ऑडिट यूनिट द्वारा ग्राम सभा के अधिकार का हनन कर 4 जनवरी 2022 से मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण कराया जा रहा है, जिसका ग्राम सभा लगातार विरोध कर रहा है। हम लोग एक कोल्हान प्रमंडल 3 जिला के मिलके एक संघ है, हम लोग का एक टीम है जो ग्राम प्रधान चीफ सिविल इलाका है। चीफ सिविल इलाका के जो विलेज ट्रेडिशनल व्यवस्था के लोग विलेज के हेडमैन है, वो लोग आज उपायुक्त कार्यालय में हम लोग पहुँचे हैं। और इसलिए हम लोग पहुँचे हैं कि हमारा जो अधिकार है, अधिकार को एनजीओ के माध्यम से छीना जा रहा है, हक को भी छीना जा रहा है। जबकि यही चीज़ देखते आ रहा है कि मनरेगा एक एक्ट है, एक योजना नहीं है। और एक्ट के तहत हमारे ग्राम सभा को विलेज ट्रेडिशनल व्यवस्था के लोग को सारी अधिकार दिया है, इस पर अविलंब रोका जाए और ग्राम सभा को सोशल ऑडिट करने का। Grid is a small place and we have like very less facilities in terms of, you know, education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Grid, those who are leaving the town and going outside for, you know, studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, you know, this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, you know, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.